हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि वॉल ड्रॉ करते हैं, अगर मैं आर्किटेक्चर टैब में जाकर यहाँ पर से वॉल ड्रॉ करूँगा, चाहे कोई भी हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक ही दिखती है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो पाइप की टाइप्स है, यहाँ पर हाइड्रोनिक सप्लाई है। अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्राफिक ओवरराइड किया हुआ है। अगर हम इसको और क्लियर कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही दिखेंगी। तो ये किस वजह से हो रहा है, इसको समझने के लिए हम मैनेज टैब में जाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएंगे। ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी, उसका लाइन कलर, उसका लाइन वेट, उसकी लाइन पैटर्न, उसका मटेरियल कैसा है, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि वॉल जब भी मैं क्रिएट करूँ तो वो मैजेंटा कलर में ही होनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। उसकी हिडन लाइन, कॉमन एजेस, वॉल स्वीप जब हो तब वो किस तरह वर्क करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद मैं पाइप खोलूँगा, यहाँ पर पाइप दिख रही है। अगर मैं पाइप को सिलेक्ट करूँगा तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट जिसके यहाँ पर ओवरराइड्स नहीं किए गए हो तो वो मुझे ब्लू कलर में ही दिखे। और पाइप के भी अगर प्लस सिंबल पे क्लिक करूँगा तो उसकी जो सेंटर लाइन होती है वो मैं ग्रे कलर की ही देखना चाहता हूँ, एकदम लाइट ग्रे कलर की। और ग्रे कलर में भी मैं उसकी जो लाइन पैटर्न है वो हिडन लाइन रख दूंगा। और मैं इसे अप्लाई करूंगा एंड ओके। तो जिस पर भी ग्राफिक ओवरराइड नहीं हुआ है वहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्राफिक ओवरराइड तो हुआ है, बट उसकी सेंटर लाइन की पैटर्न तो मैंने ऑब्जेक्ट स्टाइल से कंट्रोल कर ली कि वो ऑलवेज डैश लाइन में ही दिखेगा। सेम वे जिस पर ग्राफिक ओवरराइड किया ही नहीं हो, वो कोई भी पाइप क्यों ना हो, डोमेस्टिक हॉट कोल्ड फायर की हो, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का पाइप है, यहाँ पर ग्राफिक्स उसका मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर ओवरराइड्स, ओके। और मैं एक पाइप क्रिएट करूँगा PI, उसका लेवल मैं देख लूँगा ताकि विजिबल रहे, और यहाँ पर मैं कोल्ड वाटर सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं उसको ड्रॉ करूँगा वो ब्लू कलर में ही होगी, चाहे हॉट हो या कोल्ड हो। सेम वे आप देख सकते हो, अगर मैं वॉल भी क्रिएट करूँगा तो वो मैजेंटा में ही होगी। इस तरह हम यहाँ पर मैनेज टैब में आकर ऑब्जेक्ट स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें किस तरह दिखना है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।